विश्व के अनेकानेक शिक्षण संस्थानों ने मानव मात्र के जीवन मार्ग को शिक्षा रूपी प्रकाश से आलोकित किया है। वर्तमान युग में ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। मोहन रोड पर स्थित पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा शिक्षण संस्थान। 131 एकड़ में फैले विद्या के इस प्रांगण की विशेषता ये है कि यहाँ सामान्य और दिव्यांग छात्र एक साथ एक छत के नीचे बैठकर एक ही कक्षा में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ समेकित शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग छात्रों का सशक्तिकरण कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। सन 2008 में आरंभ हुई इस विशिष्ट यात्रा ने मात्र 9 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय के प्रथम पूर्णकालिक कुलपति के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर निशीथ राय ने 28 जनवरी 2014 को कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय 3 संकायों के अंतर्गत 11 विभागों में 478 सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत थे। ये प्रोफेसर राय के ही अथक प्रयासों का परिणाम है कि मात्र 3 वर्षों में ही यहाँ 8 संकाय हो गए हैं, जिसके अंतर्गत 29 विभागों के तत्वावधान में 4,500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय की 50% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं और इनमें से आधी दृष्टि बाधितों के लिए हैं। यहाँ अध्ययन कर रहे छात्रों हेतु शिक्षा, छात्रावास, भोजन सब कुछ निशुल्क है। ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला ये देश का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की ऐसी संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करता है जो नैतिक पाठ्यक्रमों के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। अभी तक विश्वविद्यालय से 13 संस्थाओं और महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की जा चुकी है। विश्वविद्यालय का पूरा परिसर बैरियर फ्री है। कहीं से भी कहीं पहुंचने के लिए रैंप्स की व्यवस्था की गई है। लिफ्ट के अंदर ब्रेल लिपि में लिखे गए तल संकेत, दृष्टिबाधितों के चलने हेतु विशेष रूप से लगाए गए टाइल्स जो उन्हें अपने कमरे के भीतर तक पहुंचने में सहयोग करते हैं। ब्रेल लाइब्रेरी एवं निर्माण इकाई, सांकेतिक भाषा प्रयोगशाला जैसी कई सुविधाएं विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन को आसान और सुलभ बनाती हैं। सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिए जा रहे अध्यापक के वक्तव्य को साथ ही साथ दूसरे अध्यापक द्वारा सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इसी के फलस्वरूप सामान्य विद्यार्थियों के साथ मूक बधिर विद्यार्थी भी एक ही कक्षा में समान रूप से अध्ययन करते हैं।
कई विषय तो दिव्यांग अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं। कला, विधि, वाणिज्य, विशेष शिक्षा, संगीत एवं ललित कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही बैरियर फ्री वातावरण में विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय की स्थापना की गई है। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सत्र 2016-17 से बीटेक पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। इनमें पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों का सहयोग उनके सहपाठी सामान्य छात्र करते हैं। मूक बधिर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए चल रहे सेंटर फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज एंड डेफ स्टडीज का MOU इंग्लैंड के लैंकशायर विश्वविद्यालय के साथ है। ये देश का अकेला विश्वविद्यालय है जहां श्रवण बाधित छात्रों के लिए 2 साल का इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पैरा मेडिकल कोर्स के अंतर्गत 4 वर्ष का BPO और 4.5 वर्ष का BASLP नामक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मुख्य परिसर के निकट ही स्थित है लॉ फैकल्टी कैंपस। यहाँ विधि संकाय की कक्षाओं के साथ ही दिव्यांगों के लिए कक्षा 6 से 12 तक के लिए समावेशी शिक्षा पर आधारित एक विशेष विद्यालय भी निर्माणाधीन है। विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए बहुमंजिले सुविधा संपन्न आवास भी यहां बनाए गए हैं। नए आवासों का कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह 30 सितंबर 2014 को आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। दीक्षांत समारोह में मुझको जब बुलाया, उड़के चला आया, यहाँ उड़के चला आया। कुलपति राय का विशेष आभारी, शामिल किया मुझे अपने कुल में। उत्तर का पलड़ा भारी रहेगा, किसी से भी तो लो यारा। पंद्रह सौ लोगों के बैठने की क्षमता रखता ये है विश्वविद्यालय का सभागार, जहां विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आधुनिक साज सज्जा से युक्त ये बैरियर फ्री सभागार पूर्णतया वातानुकूलित है। विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह भी इसी सभागार में ही आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा। विश्वविद्यालय में ही स्थापित आर्टिफिशियल लिम्ब एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में कृत्रिम अंग सबको निशुल्क लगाए जाते हैं। देश में पहली बार विश्वविद्यालय में ललित कला अकादमी नई दिल्ली एवं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से 10 दिवसीय राष्ट्रीय कला सम्मेलन यानी नेशनल आर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश के अनेक राज्यों के 130 चयनित कलाकारों ने भाग लिया। इन्होंने अद्वितीय कलाकृतियों की रचना की। विश्वविद्यालय की योजना एक नेशनल म्यूजियम को स्थापित करके इन कलाकृतियों को धरोहर के रूप में संजोने की है। विश्वविद्यालय में सेंसरी पार्क, मल्टीमीडिया सेंटर, सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग सेंटर तथा सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन की स्थापना की भी योजना है।
इस विश्वविद्यालय को 2014 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार का राष्ट्रीय विकलांगता पुरस्कार प्रदान किया। विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही छात्र व छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनाए गए हैं। अपने हॉस्टल के कॉमन रूम्स में ये छात्र छात्राएं आत्मविश्वास, आत्मगौरव और पुरुषार्थ भाव से भरे हुए मनोरंजन के द्वारा नई स्फूर्ति और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे सुखद दृश्य सह अस्तित्व की भावना को बल प्रदान करते हैं। विशेष छात्रों को पढ़ाना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। यहाँ के अध्यापक स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें मानवता की सेवा करने का ईश्वर ने एक विशेष अवसर प्रदान किया है। आधुनिक भारत के शिक्षा जगत का अनूठा प्रतिष्ठान डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ देश के स्वर्णिम भविष्य का आदर्श निर्माता है।